क्लास ट्वेल्थ में कम मार्क्स लाने से परेशान है, और ये परेशानी तो टेंथ से ही शुरू हो जाती है एक्चुअली, कि यार करियर को आगे कैसे ले जाना है, आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस मौजूद हैं इसका पता नहीं होना ही हमें ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये वीडियो उनके लिए है जो इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन में दिलचस्पी रखते हैं और ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको लगे कि इस करियर ऑप्शन में, किसी एक करियर ऑप्शन में आप दिलचस्पी रखते हैं और आपको आगे भी बहुत सारी क्वेरीज हो और आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरे ढेर सारे दोस्त इन सारे डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई उन्होंने पहले कर ली है, उनसे भी मैंने बहुत सारी जानकारी ली है, तो मैं आपको वैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो आपको इस फील्ड से रिलेटेड और भी विशेष जानकारी दे पाएँ। और आपके लिए मैंने वीडियो को आसान बनाया है, मैंने हर करियर ऑप्शन को चार भाग में डिवाइड कर दिया है, और वो है एलिजिबिलिटी, मतलब ट्वेल्थ में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। दूसरा है कि आपको ऐसे क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप में ऐसी क्या खूबी हो जिससे आप इस करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। तीसरा कि आप इस करियर ऑप्शन को चुनने के बाद क्या बनेंगे। चौथा कि ये आपको कैसी लाइफस्टाइल देगा। तो फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे, मेरा नाम है हर्षित, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो बात करते हैं करियर ऑप्शन नंबर वन, डिजाइन। मैं डिजाइनिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक डिजाइन स्टूडेंट रहा हूं, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन डिजाइन की पढ़ाई किया हूं। तो दोस्तों, डिजाइन में आपको यह ध्यान देना है कि आप गारमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप डिज़ाइन और कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपके लिए साइंस मस्ट है। आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जिससे आप इस करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं, वो है आप कितने क्रिएटिव हैं, आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, और आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इससे आप क्या बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर, कम्युनिकेशन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो जर्नलिस्ट, या तो फोटोग्राफर, या तो विजुअल मर्चेंडाइजर, और ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट चुनते हैं तो आप बनते हैं मर्चेंडाइजर, और वो सारी चीज़ें, वो तकनीक की चीज़ें, टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो भी गारमेंट से रिलेटेड है, आप उन सब चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लाइफस्टाइल, तो आप समझ ही लीजिए अगर आप फैशन और डिज़ाइन की दुनिया में गए हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही रोमांचक होती है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और शुरुआती दौर ही एक ऐसा होता है जहां पर अपने आप को साबित करना होता है। उस अगर इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमा लेते हैं तो स्काई इज द लिमिट। करियर ऑप्शन नंबर टू, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको ट्वेल्थ में बस पास होना होता है, और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके स्किल सेट की बात करूं, अब यहाँ पर मैटर ये भी करता है कि आप एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हैं। टीवी में जाना चाहते हैं, या प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, या फिर रेडियो में जाना चाहते हैं, और इसके साथ जुड़ा रहता है एडवर्टाइजिंग भी, या फिर एडवर्टाइजिंग की वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसकी अगर मैं क्रक्स निकालूं, आपको रिक्वायरमेंट बनती है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, और आपको डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ये अगर आपकी दिलचस्पी होती है एडवर्टाइजिंग दुनिया में कि किस तरह से एड्स बनाए जाते हैं, तो आप इस फील्ड को बड़े शौक से चुन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे आप क्या बनेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, टीवी, रेडियो, मैगज़ीन, प्रिंट मीडिया जो होता है खासकर, आप टीवी जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, रेडियो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटर बन सकते हैं, और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, आगे चल के क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर मैं इसमें आपके लाइफस्टाइल की बात करूं, तो ये कंप्लीट लाइफस्टाइल आप क्या चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है, और आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरे करियर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है फिल्म मेकिंग। देखिए, फिल्म मेकिंग मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक्टर बने। फिल्म मेकिंग का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो फिल्म को बनाती है, वही पिक्चर जो आप टीवी पे देखते हैं, चाहे वो फिल्म के फॉर्म में हो, या वेब सीरीज़ के फॉर्म में हो, या टीवी सीरियल के फॉर्म में हो। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत ही वास्ट कोर्स है,
तो इसमें आपकी स्किल रिक्वायरमेंट फिर वैसे ही हो जाती है कि आप किन चीज़ों को चुनते हैं। लेकिन गौरतलब यह है कि कुछ ऐसे स्किल रिक्वायरमेंट्स जो हर जगह ज़रूरी होती है फिल्म मेकिंग में, वो ये है कि आपको ये इंडस्ट्री बहुत ही क्रिएटिव चाहती है। मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली बहुत चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं तो आप इस करियर ऑप्शन को चुनें। अगर आप चीज़ों को विजुलाइज अच्छे से कर लेते हैं, अगर आपको भीड़ के साथ मतलब पूरी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर जुट कर काम करने की एबिलिटी है, तो आप इस फील्ड को चुन सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए ढेर सारे लोग लगते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि आप क्या बन सकते हैं, तो मैं जैसा कि बताया कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर फिल्म को बनाती है, तो आप फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन का कोर्स कर सकते हैं, आप सिनेमेटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, आप आर्ट डायरेक्टर का कोर्स कर सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें बनेंगे क्या? आप शुरुआती तौर पर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करके असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे और बाद में डायरेक्टर बनेंगे। अगर आप सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कैमरा को हैंडल करेंगे और किस तरह से कैमरा का जो व्यू पॉइंट होगा वो एक्चुअली आप देखेंगे, तो वो होता है सिनेमेटोग्राफर। अगर आप आर्ट डायरेक्टर बनते हैं, तो आप फिल्म के सेट पर जिस तरह से डिज़ाइन की जाती है या एक सेट को किस तरह से बनाया जाता है, तो आप वैसे आर्ट डायरेक्टर बनेंगे। और फिल्म की दुनिया में और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी डिटेल में नहीं बात करूँगा, लेकिन बात करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, ये फिल्म लाइन है और फिल्म लाइन आपको बहुत ही क्रिएटिव मांगता है। उसके साथ साथ आपको दिन भर अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आपकी लाइफ बेशक बहुत ही फैशनेबल होगी, लेकिन उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है वो भी आपको अपने अंदर ढालने की कोशिश रखनी पड़ेगी। और फिल्म लाइन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, तो इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना, आपका हेल्थ और जो सबसे खास बात है आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। अगला करियर ऑप्शन है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में आपको 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं वो मायने नहीं रखता है, आप इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लिए स्किल सेट रिक्वायर्ड, तो इवेंट मैनेजमेंट मतलब आप किसी इवेंट को कैसे मैनेज करते हैं। मतलब यह होता है कि एक इवेंट में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी डिसीजन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बहुत ही इंथुजियास्टिक होना पड़ेगा अपने हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि इवेंट इज़ ऑल अबाउट फन, जॉय एंड इंथुजियाज़म। तो दोस्तों, अगर ये सारी खूबियाँ आपके अंदर है, टीम के साथ काम करने की खूबी है, तो आप इस करियर ऑप्शन में अपना करियर ज़रूर ढूंढ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे आप क्या बनेंगे, तो इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद आप इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी अच्छे अच्छे होटल में किस तरह से इवेंट चलाते हैं तो उस होटल के इवेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। और इवेंट की दुनिया में और भी एक बेहतरीन और दिलचस्प जॉब रहता है आपके लिए, वो होता है वेडिंग प्लानर। यस, अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट किया है तो आप वेडिंग प्लानर्स भी बन सकते हैं। मतलब कोई भी इवेंट दुनिया में देख लीजिए, आप उसको मैनेज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वो जॉब आपके लिए है। अगर मैं इसकी लाइफस्टाइल की बात करूं, तो डेफिनेटली आपको हर समय एंथुसियाज्म और एनर्जी और जॉय से भरे रहना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं भी रहते हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ अगर नहीं भी रह पाती है, आपको जॉय और एंथुसियाज्म और खुशहाली से घिरा रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इवेंट ऑब्वियसली जब करेंगे तो आप खुशहाली वाले इवेंट ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले करियर ऑप्शन की तरफ, तो वो मैं बहुत दिलचस्प मानता हूँ अभी के समय के लिए, और वो है BBA इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, आपको उसके लिए कोई ख़ास स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास हो जाते हैं, बस 50-55% अपने 12th के बोर्ड्स में ले आते हैं, तो आप डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉलेज इसके लिए एग्ज़ाम भी लेते हैं। और इसके लिए स्किल रिक्वायरमेंट है कि आप कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट सर्च इंजन्स के लिए आपकी दिलचस्पी है, तो आप इस करियर को बेशक चुन सकते हैं। अगर मैं इसके जॉब ऑप्शंस की बात करूं, तो आप सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर और ऐसी ढेर सारी मैनेजमेंट की चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व रहता है। अगर मैं इसके लाइफस्टाइल की बात करूं, तो आपको हर समय अपडेटेड रहना पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी से और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ों से, जो किसी भी वे में डिजिटल एडवर्टाइजिंग को
प्रमोट करता है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी से डील करते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होगा और अपनी लाइफस्टाइल को आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं। अगले करियर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो वो है एविएशन, जिसमें आप हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, पायलट या कैप्टन बनते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी है आपको 12th में मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी रहे, तो ही आप आगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो ये एक टेक्निकल फील्ड है जहाँ पर आपको जहाज़ उड़ाना सिखाया जाएगा, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फ्लाइंग स्कूल में जाके सीखेंगे। अगर मैं बात करूँ तो आप क्या बनते हैं, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप पायलट बनेंगे या कैप्टन बनेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, एक बार मैं पायलट या कैप्टन बोल दूँ तो आप अपनी लाइफस्टाइल खुद ही सोच सकते हैं। बहुत ही फैंसी लाइफस्टाइल है, 5-स्टार लग्जरी, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है और आप बेहतरीन बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर घूम सकते हैं। अगला करियर ऑप्शन है जो कि मैं बहुत दिलचस्प मानता हूँ, इसलिए क्योंकि ये इसकी तरफ ज़्यादातर लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है योगा टीचर। दोस्तों मैं बता दूं, दुनिया का हब अगर योगा का है तो वो भारत देश है। अगर आप इंडियन शक्ल पाए हैं मतलब आप योगा के एम्बेसडर ऑलरेडी हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको किसी सर्टन फील्ड से होने की ज़रूरत नहीं है, आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स फील्ड से हैं, आप योगा टीचर बनने की चाहत रख सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो योगा में डिग्री देते हैं। इसके लिए स्किल सेट यही रिक्वायर्ड है कि आप अपने हेल्थ के लिए और दूसरों के हेल्थ के लिए जागरूक रहें। अगर आप संस्कृत की पढ़ाई थोड़ी सी करने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर संस्कृत नहीं भी आए तो काम बन सकता है, लेकिन अगर हेल्थ से रिलेटेड जानने के बारे में, मेडिकल टर्म्स के बारे में जानने के लिए आप तैयार हैं तो आप इस फील्ड को डेफिनेटली चुन सकते हैं। अगर मैं जॉब ऑप्शन की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप भारतीय होने के नाते योगा के एम्बेसडर ऑलरेडी हो जाते हैं, मतलब आप देश विदेश जाकर योगा का प्रशिक्षण और योगा का ज्ञान बांट सकते हैं, जिससे आप बहुत शोहरत भी कमा सकते हैं। और जब मैं बात करूँ लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही सात्विक तरीके से जीना होता है या किसी गुरु या संत के भांति जीना होता है। मैं बहुत सारे ऐसे योगा टीचर से मिला हूँ जो बहुत फैंसी लाइफस्टाइल जीते हैं और लोगों को योगा सिखाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।